तो कैसे भाई सारे, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज जैसे कि आपको पता ही है कि हमने किया कि सोनेट लिया, तो 0 to 100 आपने इसका देख लिया, बाकी आपने इसके फीचर्स वीचर्स सब कुछ देख लिए, नेगेटिव देख लिए, पॉजिटिव्स की वीडियो भी आने वाली है। तो पॉजिटिव्स वैसे गाड़ी में खूब होते हैं, नेगेटिव्स की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत होती है मेरे हिसाब से। तो पॉजिटिव्स की भी वीडियो बनाएंगे यार, बहुत पॉजिटिव्स हैं इसके। तो आज वैसे हम बनाने वाले हैं इसकी ड्राइव रिव्यू। तो पहले पावर स्पेसिफिकेशन से बात कर लेते हैं। तो पावर स्पेसिफिकेशन है इसकी 115 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डीजल इंजन है भाई, 6000 तक मार्किंग आपको दिख रही होगी। और ऑटोमेटिक में अपने आप टॉर्क कन्वर्टर 6-speed ऑटोमेटिक में, आप जैसे न्यूट्रल में डल रखी है, अब ड्राइव में हमने डाल दिया है। अब एक बार रिवर्स में आपको कैमरा कर देता हूँ भाई, बहुत ही क्लियर कैमरा है इसका। और अब हम ले चले हैं गाड़ी, एक बार आपको हाईवे राइड पे पूरा दिखा देंगे कैसा है इसका पिकअप पिकअप और टॉर्क, क्योंकि डीजल इंजन है तो टॉर्क से ही बिल्डअप है ये। तो वो आज सब आपको दिखा देंगे कि कैसा है कैसा नहीं। पैडल शिफ्टर्स भी यूज़ करके दिखा दूंगा मैं आपको, सब कुछ आपको दिखा दूंगा आज करके ड्राइव रिव्यू में कि कैसी चलती है गाड़ी ओवरऑल। तो बाकी भाई अब हाईवे पे हम चढ़ चुके हैं और अब थोड़ा गाड़ी को आपको ओवरऑल बता पाऊंगा कैसी है चलने में कैसी नहीं। तो पावर स्पेसिफिकेशन की आपको बता ही दिया था, और ऑटोमेटिक है अपनी। तो टॉर्क कन्वर्टर, आप जैसे इनिशियल इंप्रेशन, जैसे मैं 2000 किलोमीटर गाड़ी को चला चुका हूँ, तो हल्का फुल्का जो शोर है टॉर्क कन्वर्टर उतना तो थोड़ा बहुत तो करता है, बट पावर डिलीवर भी उतनी अच्छी करता है। और इसका जो क्या नाम है, गियर शिफ्टिंग है, वो भी बहुत स्लीक है। बस थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है, ज़्यादा नहीं पता लगता। और तुरंत ही गियर शिफ्ट भी कर लेती है, कोई लैग नहीं है मतलब गियर बॉक्स की तरफ से। और गाड़ी में भी ओवरऑल टर्बो लैग नहीं है, क्योंकि डीजल डीजल तो सारी टर्बो चार्ज ही होती है। तो अभी जैसे मैंने आराम से इसको चला रहा हूँ, तो खींच वींच के भी दिखाऊंगा। देखो जैसे आराम से अगर हम चलाते हैं तो 2000 rpm के अराउंड, अराउंड 1900-2000 के अराउंड ये गियर शिफ्ट कर लेती है। तो अब एक बार हम AC ऑफ कर देते हैं इसके गाड़ी को, और दबने वबने का कोई सीन नहीं है भाई, ये 1.5 लीटर का इंजन कहीं नहीं दबता। AC वेसी कैसे चला लो आप इसका, AC चलाओ मत चलाओ, कोई दबने वाला इसमें रोल है ही नहीं। तो अब जैसे मैं इसको इस पर थ्रॉटल दे देता हूँ, तो तुरंत ही गाड़ी डाउन शिफ्ट मार के आपको परफॉर्मेंस दिखाने लग जाती है। मतलब डाउन शिफ्ट बहुत क्विक है इसका, बहुत क्विक डाउन शिफ्ट मार के, जैसे कि आप अगर किसी को भी ओवरटेक करना होगा तो मैनुअल वाला बंदा भी डाउन शिफ्ट मारेगा और एकदम से ही वो कर देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैडल शिफ्टर्स भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। पैडल शिफ्टर्स भी इसके डाउन शिफ्ट मार जाते हैं। अब जैसे 78 पे है, पांचवा गियर, चौथा गियर, अब ये अप शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं करूँगा। 4000 rpm तक जाती है गाड़ी, मतलब 5000 तक ये खिंच जाती है अगर पैडल शिफ्टर से यूज करे तो। 5 को टच हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती, मतलब उस हिसाब से रिफाइनमेंट भी पता चल जाती है भाई, इंजन की बहुत रिफाइंड है। और लो एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा है इंजन का। और पिकअप की बात करूं भाई, लाजवाब पिकअप है भाई इस सेगमेंट की कार के हिसाब से। जैसे कि आपको 0 to 100 में पता ही है भाई, 10 सेकंड में अप्रोक्स अप्रोक्स कर लेती है, जो भाई क्विक है। ये देखो भाई डाउन शिफ्ट मारा गाड़ी ने, 3500 rpm के बाद शोर मचाने लग जाती है ये, उससे पहले मतलब ऐसा कोई ऐसा शोर है नहीं गाड़ी में। और जब तक ये रेड लाइन तक पहुंची तब तक इसकी पावर बैंड खत्म हो चुका होता है, क्योंकि डीजल होती है भाई उसके लिए, है मिड के लिए बहुत स्ट्रांग होता है मिड उसका, और टॉप एंड भी बहुत स्ट्रांग होता है, बट आप डीजल को रेड लाइन नहीं कर सकते। जैसे 4000-4500 rpm पे आपको गियर शिफ्ट करनी ही पड़ेगी उसमें, तभी आपको पूरा आउटपुट मिलेगा। पेट्रोल को आप एंड तक खींच सकते हो, डीजल को आप एंड तक नहीं खींच सकते। और जैसे आपको आपको क्विक ओवरटेक करने है ना, तो ये देखो भाई तुरंत ही डाउन शिफ्ट, तुरंत ही पिकअप पकड़ा गाड़ी ने 4500 rpm, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पिकअप है। ऊपर देखो तो भाई देख ही लिया आपने, एक बार आपको थोड़ा सा पिकअप और देख देख लो भाई कैसे डाउन शिफ्ट मार के, हल्का शोर ज्यादा मचाती है बट उस हिसाब से पावर भी डिलीवर करती है। ये नहीं कि मतलब सिर्फ शोर मचाए जा रही है और पावर डिलीवर बिल्कुल नहीं कर रही, तो पावर भी डिलीवर करती है ये। और तुरंत ही डाउन शिफ्ट और पावर डिलीवरी इसकी चालू। और स्टेबिलिटी की बात कर लूँ तो इतनी भी कुछ खास स्टेबल नहीं है यार गाड़ी, सच बताऊँ तो ठीक ठाक स्टेबिलिटी है इसमें। एक्सपेक्ट कर रहा था सॉरी मैं कि
जिस हिसाब से इसका सस्पेंशन हार्ड इन्होंने कर रखा है, मतलब गड्ढे में जाती है तो यार बहुत पता लगता है इसमें, इस गाड़ी में, और मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ है। और उस हिसाब से सस्पेंशन में यार इतना मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कार में, तो मुझे इतनी स्टेबल हाईवे पे इतनी ज़्यादा खास स्टेबल नहीं लगी। और ब्रेक्स की बात कर लूँ, ब्रेक्स यार बहुत अच्छी है यार, ब्रेक्स आगे डिस्क आती हैं, बट ब्रेक्स का कोई मतलब, मैंने जो जहाँ तक गाड़ियाँ चलाई हैं उसमें मतलब मैं बताऊँ कि मतलब टॉप नॉच गियर ब्रेक्स है इसकी, बहुत बढ़िया है यार। और भाई पिकअप के मामले में भी गाड़ी बहुत तगड़ी, बहुत ज़्यादा तगड़ी। तो यही थी भाई कुछ आज की वीडियो मेरी किया सोनेट 1.5 लीटर टॉर्क कन्वर्टर की वीडियो चलाने के लिए। और एक बार आपको लास्ट बार थैंक यू सो मच।